4 जून 2022। तो ये है मेरे गंधराज के प्लांट, जिसे मैं लास्ट एक महीने पहले ही रिपोर्टिंग और रूट प्रूनिंग किया था। तो रिपोर्टिंग रूट प्रूनिंग करने के बाद पौधे के अंदर देखिए अभी ये कितने सारे फूल खिले हैं और बहुत सारे बर्ड्स हैं अभी जो आने वाले समय में फ्लावरिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए कितने सारे बर्ड्स हैं। गंधराज प्लांट की फ्लावरिंग सीजन मई में ही शुरू हो जाता है और अप टू अक्टूबर तक ये फ्लावरिंग करता है, मतलब पूरे बरसात के महीने में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है ये। तो लास्ट वीडियो में मैं शेयर किया था आज से एक महीने पहले कि कैसे गंधराज प्लांट पे आप बहुत सारे फूल पा सकते हैं। वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, चाहे तो आप भी देखकर आपके प्लांट के साथ भी ऐसे ही केयर करें ताकि आपके प्लांट पे भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो पाए अगर आपके प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं आता है तो। तो देखिए कितने सारे बर्ड्स आए हैं, बहुत सारे नए नए से ब्रांचेस और लीव्स भी आए हैं प्लांट पे और कितने सारे फूल खिले हैं अभी। आने वाले समय में और भी बहुत सारे फ्लावरिंग होंगे और फूल की साइज जो है देखिए बहुत ही अच्छा है और फूल 1 से 2 दिन तक ही रहता है। जैसे कि ये देखिए कल खिला था और आज कैसे मुरझाना शुरू हुआ है, लेकिन बाकी जो फूल है देखिए आज ही खिला है। यहाँ पर है, यहाँ पे फूल के साइज देखिए कितने बड़े हो रहे हैं और बहुत सुंदर सा सुगंध निकलता है फूलों से। तो 2-3 दिन पहले मैं प्लांट पे एक बार खाद का इस्तेमाल किया हूँ, मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर, जो हमेशा महीने के आखिर में मैं सभी प्लांट पे देता हूँ। और इस प्लांट पे भी मैं मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर दिया था। इसके अलावा आप डीएपी पोटास का मिक्स या फिर एनपीके की किसी भी वैरायटी को दे सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट है, लो केयरिंग प्लांट है, पेस्ट का अटैक कभी भी नहीं होता है इसके ऊपर। तो ऐसे ही थोड़ी बहुत केयर करके आप भी प्लांट पे पा सकते हैं बहुत सारे फूल। देखिए एक बल्टी के अंदर लगा हुआ है प्लांट और प्लांट को फुल सनलाइट पे रखा कीजिए जहाँ पर दिन भर की तेज धूप मिल पाए। तो फ्रेंड ये मेरे 1 साल का पुराना प्लांट है और इसी बाल्टी के अंदर ही लगा हुआ था, फिर भी मैं इस साल इसे रिपोर्टिंग किया और रिपोर्टिंग करने के बाद ही बहुत सारे ब्रांचेस और बहुत सारे बर्ड्स आना शुरू हो चुका है। तो आपके सामने है इसके रिजल्ट, कितने सुंदर और बहुत ही बड़े साइज में कलिया लगा हुआ है प्लांट पे। अगर इसकी प्रोपागेशन की बात करूँ तो कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। हालांकि मैं तो इसे कटिंग से ग्रो नहीं किया था, मैं नर्सरी से 40 रुपया देकर प्लांट को खरीद कर लाया था और 1 साल के अंदर ही प्लांट पे फ्लावरिंग शुरू हो चुका है। हालांकि लास्ट ईयर भी इसमें फ्लावरिंग हुआ था, मैं जनवरी या फरवरी में 2021 के जनवरी या फरवरी में मैं प्लांट को परचेस किया था। तो लास्ट ईयर मई जून महीने में भी मुझे फ्लावरिंग मिला है और इस साल भी देखिए प्लांट ऑलमोस्ट 4 फीट के आसपास हो चुका है और बहुत सारे फूल खिलना शुरू हुआ है। तो मेरे इस प्लांट पे फूल तो बहुत सारे खिल रहे हैं और बर्ड्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे प्लांट यहाँ पर रखा हुआ था देखिए बर्ड्स ड्रॉप बहुत सारे हो रहे हैं। कितने सारे फूल खिलने से पहले ही बर्ड्स जो है गिर चुका है। तो बर्ड्स ड्रॉप जो प्रॉब्लम है गार्डनिया के साथ, ये ओवर वाटरिंग या फिर एक्सट्रीम वेदर, मतलब टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो ऐसा होता है, लेकिन मेरे प्लांट को मैं हाफ शेड एरिया पे रखा हूँ जहाँ पर दिन भर की तेज धूप नहीं आता है, फिर भी थोड़ी बहुत बर्ड्स जो है ड्रॉप हुए हैं। इतने सारे बर्ड्स जो ड्रॉप हुए हैं, ये अगर खिलता तो और भी बहुत सारे फूल लगते मेरे प्लांट पे। हालांकि मैं 2 दिन पहले ही बर्ड्स ड्रॉप होने के कारण डीएपी और पोटास का मिक्स भी दिया हूँ ताकि बर्ड्स जो है ना गिरे। पोटासियम की कमी से भी प्लांट्स की जो बर्ड्स है, मतलब कलिया है, वो झड़ते हैं। तो देखते हैं ये ठीक हो पाता है या नहीं, तो मैं आप लोगों के साथ इसका अपडेट भी शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स ये था गंधराज प्लांट का अपडेट जो मेरे गार्डन में लगा हुआ है। आने वाले समय में इसकी कटिंग जरूर ग्रो करूंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।